हेलो गाइस, और आपका स्वागत है मेरे गेमिंग यूट्यूब चैनल दाजी छोटी ही में। और आज हम खेलने वाले हैं एक बिल्कुल नया पोकेमोन गेम। दरअसल ऐसा है कि बहुत सारे पोकेमोन्स ऑफिशियल गेम होते हैं, पर कुछ लोग इन गेम को हैक करके एक नया ही गेम बना देते हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार होता है और एक हटके से फीलिंग आती है। तो आज जो गेम हम खेलने वाले हैं वो पोकेमोन रेड, बहुत ही फेमस गेम है, उसके ऊपर बेस्ड है और जिसका नाम है पोकेमोन रेडिकल रेड। तो शुरू करते हैं आज के गेम प्ले, देखते हैं क्या होता है इस गेम में। स्टार्ट हो चुका है और नॉर्मली होता है, यहाँ लिखा भी आ रहा है दिस गेम इज मेड बाय सुपर सेल, बहुत अजीब स्पेलिंग है सुपर की, एंड कोल A4 इफ यू पेड फॉर दिस इन एनी वे स्कैम। मतलब बोल रहे हैं कि अगर ये फ्री वर्जन है, अगर तुमने कभी इसके लिए पैसे दिए होंगे तो तुम्हारा बंटा धार हो गया भाई। शुरू करते हैं गेम प्ले। कुछ बातें लिखी हुई होती है जो मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ आ गए हमारे प्रोफेसर ओक और बोल रहे हैं कि ग्लैड टू मीट यू, ये सब हर एक पोकेमोन गेम में बोला जाता है। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा स्पीड में जाता हूँ। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ पोकेमोन, ये सब बोलते ही रहते हैं। आई स्टडी पोकेमोन एज ए प्रोफेसर, बट फर्स्ट टेल लिटिल अबाउट योरसेल्फ। हमारे बारे में आप ये इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लड़के हैं या लड़की। मैं लड़का हूँ इसलिए लड़का चूज कर रहा हूँ, और इसका नाम भी हमें रखना पड़ेगा। ओरिजिनल जो गेम का बॉय है उसका नाम रेड होता है गेम के लिए, पर एनीमे के लिए होता है एश, तो मैं एश ही रखूंगा। ये अलर्ट को दबाना पड़ेगा, हो गया इस, हो गया और एच, एश रखेंगे अपना नाम, और बिल्कुल एश ही रखेंगे अपना नाम। और ये हमारा दुश्मन होगा, एक्चुअली राइवल होगा, दुश्मन नहीं। और इसका नाम स्टोरी में गैरी था तो हम भी गैरी रख देंगे। ओके, योर वेरी ओन पोकेमोन लेजेंड इज अबाउट टू अनफोल्ड द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। जो भी लिखा हुआ मैं स्पीड से पढ़ नहीं पाया, माफ करना दोस्तों। ओके, प्लीज स्टॉप मिसिंग एंड प्रॉपरली आंसर द इनकमिंग क्वेश्चन। अच्छा, क्या क्वेश्चन है भाई? डिफिकल्टी का ऑप्शन हमें चूज करने के लिए बोल रहा है। देखते हैं डिफिकल्टी का ऑप्शन। हार्ड मोड में रखेंगे क्योंकि हमें हार्ड गेम प्ले ही चाहिए, इजी तो सभी खेलते हैं। हार्ड मोड मेक्स द गेम इवन मोर डिफिकल्ट एज इज, मतलब जितना है उससे भी ये ऊपर के लेवल की बनाएगा गेम को, मजा आएगा। द रेस्ट्रिक्स सर्टेन एबिलिटीज एंड मूव्स फ्रॉम द प्लेयर एंड बॉसेस। अच्छा, कुछ रेस्ट्रिक्ट करेगा ये एबिलिटीज को, रेस्ट्रिक्ट कर देगा तो मज़ा तो नहीं आएगा रे भाई। द गेम मोड इज ऑटोमेटिकली प्रायड विथ मिनिमल ग्रेडिंग मोड। पता नहीं इसका मतलब क्या है। नहीं, फिर नहीं करेंगे हार्डकोर मोड को, अगर कुछ चीज़ों को हम नहीं कर पाए डिफॉल्ट में ही रखेंगे। ठीक है, डन कर दिया। और ये डिफिकल्टी मोड, मिनिमलिंग ग्राउंड मोड, ये क्या चीज़ है देखते हैं। अच्छा, IVS and EVS कैन नॉट बी obtained। अच्छा, मतलब जो मैं नहीं रखूँगा भाई इसको, पहली बात आपको थोड़ा समझा दूँ, मतलब मूव्स को बढ़ाने कमाने के लिए जो कुछ किया जाता है ना, वो सब नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखते हैं, हमारे मेल बॉक्स में अक्सर नॉर्मल गेम में एक पोर्शन होता है जो कि ये रहा पोर्शन, विदड्रॉ करूँगा। और दोस्तों आप मुझे बताना कि गेम की साउंड आपको ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, या फिर मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, तो मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत एडजस्ट करूँगा। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तरफ ही जाएंगे। ओके, है यश, मॉम आ गई है। द प्रोफेसर वांट टू आस्क इफ यू हैड प्रेफर ऑन व्हिच रीजन यू स्टार्टिंग अप विथ। ओके, यहाँ पर हम हर एक रीजन के हिसाब से खेल सकते हैं। जोटो स्टार्टिंग है, फिर होवेन है, फिर सिनो है, फिर यूनोवा है, कार्लोस है, अलोला है, गेलेन है और पेल्डिया है, जो कि इस लास्ट ग्लेर रीजन और पेल्डिया रीजन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मैं यहाँ पर क्या चूज किया जाए, मैं यहाँ पर यूनोवा रीजन को चूज करता हूँ। और यूनोवा रीजन के पोकेमोन से मिलेंगे, उस हिसाब से हमें ट्रेनर भी मिलेंगे कि नहीं पता नहीं मुझे अभी तक, यही पहली बार खेल रहा हूँ। रात का टाइम है, मैं भी रात को ही गेम प्ले कर रहा हूँ। इस घर में जाते हैं, यहाँ गैरी की सिस्टर रहती है, और ओरिजिनल गेम में हमें मिलता है एक मैप जो कि यहाँ ही है।
डेजी हाय, माय ब्रदर गैरी इज आउट देयर ग्रैंडपास लैब। ओके, अभी तो ये नहीं देगी अपना मैप, कुछ और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैप की बात कर रहा हूँ। पर प्रोफेसर ओक से थोड़ा बातचीत करेंगे हम। गैरी तो यहाँ ही बंदा, प्रोफेसर कहाँ है भाई? ओ मुझे याद आया, हमें जाना पड़ेगा प्रोफेसर ओक से मिलने के लिए। यहाँ पर यहाँ हम जाने की कोशिश करेंगे और ऑब्वियसली प्रोफेसर ओक हमें रोक लेंगे कि भाई तुम्हारे पास कोई पोकेमोन नहीं है, तुम मारे जाओगे भाई। इट्स अनसेफ, वाइल्ड पोकेमोन लिव इन टॉल ग्रासेस, यू नीड योर पोकेमोन फॉर योर प्रोटेक्शन। I know, here, come with me. चलते हैं हम पीछे पीछे सुमड़ी चाल में। और जैसे कि मैं कह रहा था दोस्तों, आज बस हम पोकेमोन को लेंगे, गैरी के साथ एक फाइट होगी, फिर गेम को एंड करेंगे। ग्रैम्प्स, I am fed up with waiting. Gary, let me think. That's right, I told you to come. Just wait. Here, Ash. There are three Pokemons there. Haha, the Pokemon are held inside three Pokeballs. When I was young, I was a serious Pokemon trainer. But now I am old age, I have only these three left. You can have one. Go on, choose. तो हमें तीनों में से एक choose करना पड़ेगा। Hey Grams, no fair. मतलब ये बोल रहा है कि Grandpa क्या हो गया आपको? मैं आपका पोता हूँ और आप किसी और बंदे को दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है Grandpa? Be patient, Gary. You can have one too. भाई तुम्हें मिलेगा, थोड़ा सबर करो। ओके, देखते हैं कि स्टार्टर पोकेमोन भी हमें यूनोवा की तरह मिले हैं कि नहीं, या फिर देखा है यूनोवा के पोकेमोन्स मिल गए भाई। नहीं, इसे तो नहीं लूंगा, थोड़ा चेक करते हैं। ऑफोवॉट नहीं लेना है ऑफोवॉट को। और यहाँ पर टेपिंग मिल गया। मैं अक्सर फायर पोकेमोन के साथ ही स्टार्ट करना प्रेफर करता हूँ, और यहाँ के केस में अगर पहला जो जिम है वो अगर मिल जाए हमें स्टोन, मतलब रॉक टाइप जिम, तो ग्रास टाइप, वाटर टाइप और सभी काम करेंगे। पर मैं इसे लूँगा क्योंकि थोड़ा मज़ा भी चाहिए मुझे, इनफैक्ट पसंद है फायर टाइप। डोंट गिव अ निकनेम, निकनेम तो नहीं दूंगा। ओके, और ऑब्वियसली ये ऑशोवर्ट को चूज करेगा क्योंकि ये मेरा राइवल है। फाइन फाइन, यू कैन हैव दिस लास्ट वन, आई सी। एंड लेफ्ट ओवर, एक सेकेंड, इस बंदे ने नहीं लिया पोकेमोन, क्या क्या हो रहा है? गैरी रिसीव, गैरी ने स्क्वाटर ले लिया भाई, क्या बंदा है यार गैरी। गैरी को पसंद नहीं आया, गैरी बोल रहा है मैं चलूंगा एकदम ओजी स्टाइल में, क्लासिक पोकेमोन लूंगा, खुद स्क्वाटर ले लिया, मुझे ये एलोरन बड़ा पकड़ा गया, यूनोवा वाला, या एलोरन यूनोवा वाला पकड़ा लिया, मैं ही भूल रहा हूँ। ओके, तो इस बंदे से फाइट करना होगा, अच्छा फाइट होगा। देखते हैं क्या कर पाते हैं। स्क्वाटल बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या क्या अटैक हमारे पास है? टैकल, टेल विप, जिसमें से अटैक वो कर रहा है, हम करेंगे टैकल। टेल विप से हमारा एनर्जी थोड़ी सी लो होगी, एनर्जी नहीं, हमारा स्ट्रेंथ, हम वर्नेबल हो जाएंगे। मैं भी थोड़ा यूज करूँ, क्यों ना मैं यूज करूँ भाई, तुम्ही क्यों यूज करोगे? वाओ, फ्लैश स्वीप, ये कुछ नया था भाई, ये कुछ नया था। इससे हम देख भी पाएंगे कि कौन टीम में है, और ये बहुत ही एक अच्छा एनिमेशन देख सकते हैं आप दोस्तों, जिसके नाम के साइड में दिखा रहा है कि मैं फायर टाइप हूँ, वो प्योर वाटर टाइप है। अच्छा एनिमेशन है, अच्छा एनिमेशन है। फ्लैश स्वीप, और इस बंदे के पास था एक बेरी। ऐसा अक्सर अपुन के साथ होता है कि दूसरों के पास बेरी होता है, पर आज हमारे पास ही बेरी था और हमने इजीली इसे हरा भी दिया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। What an unbelievable! I picked the wrong Pokemon. तुमने रॉन्ग नहीं पिक किया भाई, मैं कुछ दबंग किस्म का बंदा हूँ। I'll make my Pokemon battle to toughen it up. Ash Grams, smell you later. बाद में सुनते हैं ये कैसी बात हुई भाई। ये तो अभी माँ के पास जाना पड़ेगा, उससे पहले थोड़ा सा हम ले लेंगे मैप। इस डेजी के पास से मैप ले लेना चाहिए मुझे, अभी देगी क्या मैप? अभी अभी भी नहीं दे रही भाई, जिद्दी लड़की है बे, हो सकता है बाद में दे। थोड़ा माँ से बात करूंगा और आज के गेम प्ले को यही एंड करूंगा।
Ash, you should take a quick restart. Sorry, rest. तो माँ तो अभी रेस्ट करवाएगी क्योंकि अभी मेरा पोकेमोन थोड़ा सा कमजोर है। तो दोस्तों आज हमने पहले टर्म से शुरुआत कर दी है, पहला पोकेमोन हमारा मिल चुका है। कल के एपिसोड में, अगले एपिसोड में एक्चुअली, कल या परसों मैं उस एपिसोड को शूट करूँगा, तो उस एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर आपको ये गेम प्ले के साथ जुड़ना है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर से देना। मैं आपका दोस्त जिशुन रॉय आपसे फिर मिलूंगा यही इसी जगह द जिशु टीवी में। तब तक के लिए गुड बाय।